बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ यूरोलॉजी के बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उन्हें कैथेटर पे रखना पड़ता है, चाहे कुछ समय के लिए या बहुत लंबे समय के लिए। कैथेटर पे जब रखना पड़ता है तो कैथेटर के साथ कुछ परेशानी भी एसोसिएटेड होती है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को अवॉइड करें कि वो प्रॉब्लम हो नहीं, या हो तो उसे कैसे डील करें। तो यूरिनरी कैथेटर, पेशाब की नली से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करें, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम विथ यूरिनरी कैथेटर, ये कुछ पर्ल्स है, विजडम पर्ल्स, कि आप प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करें और यदि हो जाती है तो उसे कैसे डील करें। कैथेटर की देखभाल में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है। इसे लोग समझते हैं कोई साधारण सी चीज है, लेकिन हर चीज जो होती है, कोई भी मेडिकल चीज होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है और उसे थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होती है। तो जैसे कि पेशाब कभी रुक गई तो ये पेशाब की नली पेनिस के थ्रू जाती है। फीमेल में पेशाब का रास्ता छोटा होता है, उसमें डालते हैं और ये ब्लैडर के अंदर कैथेटर जाती है और ये बैलून होती है जो कि ये निकल ना जाए, और इसमें एक छोटी सी होल होती है जिसे आई कहते हैं, तो उसके थ्रू यूरिन इधर से लेके इस ट्यूब के थ्रू बाहर आती है। ये बैलून जो होती है वो कैथेटर ब्लैडर के अंदर से निकल ना जाए उसके लिए होती है। तो ये यूरिन है, ये ब्लैडर है और इसमें ये कैथेटर है, कैथेटर का ये आइज है और ये बैलून है, ये आइज के थ्रू यूरिन आती है। तो ये कैथेटर डालने की जरूरत क्यों होती है? कभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उसके वजह से पेशाब रुक जाना, कभी प्रोस्टेट के कैंसर के कारण पेशाब रुक जाना, कभी पेशाब के रास्ते में सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या कभी नर्व की प्रॉब्लम के कारण पेशाब रुक जाना, या पेशाब के रास्ते की कोई सर्जरी हुई है, या किडनी के रास्ते की कोई सर्जरी हुई है, या स्पाइन की सर्जरी हुई है, पेशेंट चल नहीं सकता है, तो उसे कैथेटर डालने की जरूरत होती है। कभी कुछ गायनी के ऑपरेशन के कारण सर्जरी करनी पड़ती है, कभी पेशाब का थैला काम नहीं करता है, उसके लिए कैथेटर डालनी पड़ती है, कोई पैरालाइज हो गया उसके कारण कैथेटर डालनी पड़ती है, कुछ पेशेंट कोमा में है उसके कारण कैथेटर डालनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी वजह होती है जिसके कारण पेशाब की नली यूरिनरी कैथेटर डालने की जरूरत होती है। तो इस ग्लव्स पहन के क्लीन करके, पार्ट को क्लीन करके कैथेटर डालनी होती है, और जब कैथेटर अंदर चली जाती है तो उस बैलून, कैथेटर बाहर ना निकल जाए, सिरिंज से सलाइन डालनी होती है कि वो बैलून इन्फ्लेट रहे, और बैग अटैच करना होता है कि यूरिन उधर से आ जाए। तो इस तरह, और इस तरह थाई से फिक्स करना होता है कि वो खींच ना जाए। कैथेटर यदि खींचेगी तो बैलून जो है वो ट्रॉमा करेगा पेशाब के थैली को, पेशाब के रास्ते को। तो ये जो बैलून है, यदि नली खींचेंगे तो ये बैलून पेशाब के रास्ते को में इंजरी करते हुए आएगी। तो कैथेटर रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये ट्यूब को आपने फिक्स नहीं किया तो ये किंक हो सकती है, मुड़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन होगा तो प्रेशर डाल सकती है, और ये जो आइज है, कोई भी छोटा सा भी किसी चीज का कण हो, पस का, क्रिस्टल का, या ब्लड का क्लॉट कभी कभी आती है कैथेटर एसोसिएटेड होने पे, तो ये आई को ब्लॉक करेगी और यूरिन जमा होता जाएगा और पेशाब लगेगा, ब्लैडर डिस्टेंड हो गया है। तो इसको स्ट्रेन से फ्लश करके इसको खाली करना है। कभी कोई डिब्रिज हुआ, यदि पानी यदि एडिक्युएट नहीं ले रहे हैं तो ब्लैडर में जो सेक्रेशन वगैरह, प्रोस्टेट डिफरेंट ग्लैंड का सेक्रेशन है या क्रिस्टल है, वो डिब्रिज बना देते हैं, या कभी ब्लड हुआ, हिमेचूरिया हुआ, पेशाब की नली में ब्लड आई तो वो ब्लड क्लॉट बना देता है, और ये ब्लड क्लॉट इस आई को ब्लॉक कर देता है या नली को ब्लॉक कर देता है, तो उसे फ्लश करने की जरूरत होती है, नहीं तो ये यूरिन इधर से आएगी नहीं। और यूरिन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि क्रिस्टल बनाते हैं, इनक्रस्टेशन करते हैं, कि पेशाब की नली यदि लंबे समय से है तो उसके अंदर से इनक्रस्टेशन हो जाती है, या इन्फेक्शन के कारण जो पस बनते हैं वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो पस सेल बहुत कॉमन होता है जो लंबे समय कैथेटर पर होते हैं।
व्हाई इट इज माई ब्लाडर स्पाइन। तो नाउ दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये जो बैलून है पेशाब के थैली का जो हिस्से में बैलून रहती है वो बड़ा सेंसिटिव हिस्सा होता है, तो ब्लाडर को लगता है कोई फॉरेन चीज आ गया मेरे पेशाब के थैली में, तो ब्लाडर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है उसे निकालने के लिए। तो ब्लाडर जब कॉन्ट्रैक्ट बहुत जोर से करती है तो पेशाब बाहर भी निकल सकता है, पेशाब कैथेटर के अराउंड बाहर निकल सकता है। ये कभी कभी होती है कि ब्लाडर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होता है, या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, या इरिगेशन फ्लूड यूज कर रहे हैं जो जब रिटर्न नहीं हो रहा है, अंदर जमा हो गया है, ब्लाडर जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पाइन कोर पैरालिसिस है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ब्लाडर ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कैथेटर कैन आल्सो समटाइम लीड टू अदर प्रॉब्लम सच एज ब्लाडर स्पॉन, जैसे हमने बताया है, जैसे क्रैम्प होगा पेशाब की थली में तो पेशाब लीक कर सकती है, या कैथेटर ड्रेन नहीं करती है तो लीक कर सकती है पेशाब कैथेटर के अराउंड, ब्लॉक हो गया कैथेटर तो कैथेटर के अराउंड पेशाब बाहर निकल सकती है, और ये कैथेटर यदि खींच गई है तो पेशाब के रास्ते को इंजरी कर सकती है, ये कैथेटर खींच जाएगी तो इस रास्ते में खून के लिए इंजरी करते हुए बाहर आएगी, और जब ब्लाडर स्पाज होगा ओह दर्द हो रही है इस तरह की फीलिंग होगी, तो उसके लिए कुछ ब्लाडर के सेडेटिव देते हैं या बैलून का जो साइज है थोड़ा छोटा कर देते हैं कि ब्लाडर स्पाज ना हो और दर्द ना हो। ये ट्यूब जो होती है पेशाब की नली जो होती है और जो बैग होती है उसकी जो ट्यूब है देखिए इस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए तब यूरिन जाएगी, यदि ये ट्यूब किंक होगी तो ये ब्लॉक हो जाएगी और पेशाब कैथेटर के अराउंड से निकल जाएगा, तो इस तरह का कोई किंक नहीं होना चाहिए। यदि ये नली खिंच जाएगी तो इंजरी कर देगी पेशाब के रास्ते में और ब्लीडिंग हो जाएगी, या पेशाब के थैले में कोई हल्की फुल्की इरिटेशन के कारण इन्फेक्शन के कारण कोई ब्लीडिंग होती है तो इसके आई को ब्लॉक कर देगी और ब्लाडर डिस्टेंड हो जाएगा, पेशाब बाहर नहीं आएगी। तो ये ख्याल करना, ये मेथड है कैथेटर डालने का, इस तरह कैथेटर अंदर होती है, बैलून इसके अंदर होती है, इधर से बैग कनेक्ट करते हैं और पेशाब इधर से आती है। कभी कभी जो क्रिस्टल बनते हैं वो पेशाब ये कैथेटर जो होती है उसमें अंदर इनक्रस्टेशन हो जाती है, जमा हो जाती है, कैथेटर के लुमेन को ब्लॉक कर देती है, तो हमें कैथेटर चेंज करने की जरूरत होती है। तो क्या जानने की जरूरत है कि कैथेटर कभी इन्फेक्शन भी कर सकती है, पल्स सेल बहुत कॉमन होते हैं, कैथेटर जब है तो पल्स सेल बहुत कॉमन होते हैं, हर पल्स सेल को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी कल्चर भी पॉजिटिव होती है लेकिन कोई बुखार नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हर कल्चर पॉजिटिव को ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है, टाइमली कैथेटर चेंज करने की जरूरत होती है। और कभी कभी कैथेटर में पस भी आ सकते हैं और उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है, तो आपको केयर करना है, अच्छी तरह कैथेटर डालना है, क्लीननेस मेंटेन करना है, पेशाब के रास्ते में कैथेटर पड़ी हुई है उसके चारों तरफ स्किन को निकाल ऊपर करके क्लीनिंग करके वापस स्किन को नॉर्मल जगह डालने की जरूरत है, कैथेटर के अराउंड सिंपल सोप वाटर से क्लीन करने की जरूरत है, कैथेटर का जो फ्लो होना चाहिए अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, कोई किंक नहीं होना चाहिए, कैथेटर पे सोना नहीं चाहिए, बैग का जो पोजिशन है पेशाब के नली से पेशाब के थैले से ब्लाडर से नीचे होना चाहिए बैग, और टाइमली चेंज होना चाहिए, या तो 2 से 4 हफ्ते में नॉर्मल कैथेटर चेंज होते हैं, यदि बार बार ब्लॉक होने की है तो 2 वीकली भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 4 वीकली कैथेटर चेंज कर सकते हैं, सिलिकन कैथेटर लंबे समय तक हम रख सकते हैं। तो ये देखिए ट्यूबिंग जो होना चाहिए, ये जो ट्यूब है बैग का वो टेंशन नहीं होना चाहिए, इसने तो ये टेंशन रहेगी तो ये इंजरी करेगी इस पे, और अच्छी तरह फिक्स होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, या पेशाब का थैला यहाँ है तो कैथेटर यहाँ ना फिक्स कर दे, बैग ऊपर ना लगाएं। तो गुड कैथेटर केयर जरूरी है, कैथेटर का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, इंसर्ट करते समय इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसी कैथेटर
यदि कुछ समय के बाद है तो उसमें कल्चर पॉजिटिव आना लाजमी है। यदि हो जाती है कैथेटर कल्चर पॉजिटिव, पस सेल प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जब हम डालते हैं इनिशियली तो हमें एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन लेना है। ड्रेन अच्छी तरह होना चाहिए, बैग का पोजीशन नीचे होना चाहिए, पेशेंट को हाइजीन के लिए इन्फॉर्म करना चाहिए, कैसे हम पेशाब की थैली को खाली करते हैं, कैसे हम कल्चर लेते हैं, फ्लूड इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए कि थोड़े बहुत हिमेचूरिया है या पस सेल है या इनक्रस्टेशन ना हो, कैथेटर ब्लॉक ना हो, कब कैथेटर निकालना है उन्हें बताएं, कब कैथेटर चेंज करनी है उन्हें पता होना चाहिए, या वो डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं कितने दिन के लिए कैथेटर रहेगी और कब हमको चेंज करनी है। डील विथ कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम, यदि ब्लॉक हो गई तो कैसे डील करना है ये उनको जानने की जरूरत है, और कैसे ये ब्लॉक ना हो, कैसे ये स्पार्क ना करे वो उनको जानना है, और यहां से इसको खोल के जो है ब्लैडर थैली को खाली करना है, जो कल्चर लेना है ये यूरिन से नहीं लेना है, वो ऊपर जो कैथेटर वाला हिस्सा है येलो कलर का उसको क्लीन करके कल्चर के लिए यूरिन वहां से लेते हैं। तो कल्चर का स्पेसिमेन इधर से ना लें। ब्लैडर स्पॉन्ज जो होता है उसके तो पेशाब के नली के अराउंड से यूरिन निकल जाती है, तो ब्लैडर स्पॉन्ज रोकने के लिए कुछ दवा की जरूरत होती है, वो दवा लेने पे लेकिन एक ख्याल रखना है जब कैथेटर निकालने की जरूरत है उस समय वो दवा बंद करने की जरूरत है, नहीं तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और फिर रिटेंशन हो जाएगी, पेशाब बंद हो जाएगी। तो कैथेटर का ड्रेनेज सिस्टम इस तरह होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई किंक नहीं होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेस होना नहीं चाहिए, और एक यहां से खोल के खाली करना है, कल्चर लेना है तो यहाँ वाला जो पीले वाला हिस्सा है कैथेटर का उससे क्लीन करके कल्चर लेना है, इस तरह खाली करनी है बैग को। तो ये सारे टिप्स हैं कि क्वेश्चन पूछिए, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछिए, क्लीनिनेस मेंटेन रखिए, ट्यूब अच्छी यूज होनी चाहिए, ट्यूबिंग का किंक नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए, यदि कैथेटर चेंज करनी है वो सारी सामान आपके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत होने पे मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। कभी कभी ट्रॉमा होती है कैथेटर से या बैलून से, जब ट्रॉमा होती है तो ब्लड आती है और कभी कभी इसे क्लॉट जो होती है इसको ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लैडर डिस्टेंड हो जाती है, ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाता है, दर्द होने लगती है, डिस्टेंशन होने लगती है और ब्लीडिंग होती है। तो ये कैथेटर ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, कोई ट्रॉमा बार बार इधर इधर कैथेटर हिलना नहीं चाहिए जिससे कोई ट्रॉमा हो, यदि हो तो आप देखिए कि पानी एडिक्वेट ले जिससे ये क्लीन हो जाए, और यदि ब्लॉक होता है तो स्ट्रीन से यहां से फ्लश कर सकते हैं। फिर भी यदि ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये था हमारा कैथेटर पे इंफॉर्मेशन। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।